दोस्तों, एक आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, आपको बताएंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, आपको बताएंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। और इससे भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना यह भी जरूरी होता है कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है, और आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वहां पे कौन से प्लेयर्स हैं जो अपना बिजनेस रन करते आए हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से मूव करते हैं सबसे पहले पार्ट के ऊपर और बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जहां पे ये मिशन क्रिटिकल प्रिसीजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये कंपनी उन सब प्रोजेक्ट्स को सर्व करती है जो कि नेशनल इंपोर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको सर्व कैसे करती है? थ्रू इट्स प्रिसीजन मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन कॉम्पिटेंसीज, यानी कि ये सब चीजें करके कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को सर्व करती है जो कि अपने देश की नेशनल इंपोर्टेंस में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के मेजर कस्टमर न्यूक्लियर, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी सेक्टर से निकल के आते हैं। अगर मैं कुछ कस्टमर्स के नाम आपको बताता हूं तो इसरो, NPCIL और इसके अलावा DRDO, यानी कि वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कंट्री हमारे लिए। MTAR टेक्नोलॉजीज के पास 7 हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इसके अलावा इनका एक ऐसा यूनिट भी है जो स्पेशलाइज्ड है एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी कि उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है जो मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी जो मेजर प्रोजेक्ट्स लेती है वो न्यूक्लियर, डिफेंस या स्पेस सेक्टर से लेती है, तो चलिए अब देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर इन सब सेक्टर्स के अंदर से कंपनी का कितना रेवेन्यू निकल के आता है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा कि कंपनी का रेवेन्यू अलग अलग पिछले कुछ सालों में कौन कौन से सेक्टर से कैसा निकल के आता है। अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो कंपनी का न्यूक्लियर सेक्टर से 28.89% का रेवेन्यू निकल के आता है, वहीं पे स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से 20.06%, और इनका मेजर कंट्रीब्यूटर टोटल रेवेन्यू के अंदर क्लीन एनर्जी रहा है, जहां से इनका 49.14% का रेवेन्यू सामने आता है। वहीं पे 2019 की अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू 49.14% से बढ़के 61.42% हो जाता है, और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर ये रेवेन्यू 64.34% का हो जाता है। तो यहां से आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू था जो अलग अलग सेक्टर से निकल के आता था, तो कंपनी का अभी मेजर रेवेन्यू क्लीन एनर्जी सेक्टर से निकल के आ रहा है, जो कि 64.34% था एज ऑफ फिस्कल ईयर 2020। लेकिन अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट देता हूं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर तक का रेवेन्यू देखता हूं कंपनी का, तो जो क्लीन एनर्जी से अभी तक 64% रेवेन्यू आता था वो अभी कम होकर 47.48% हो गया है, और इसके अलावा न्यूक्लियर सेक्टर से जो इनका रेवेन्यू अभी तक 14% का था एज ऑफ फिस्कल ईयर 2020, वो अभी करंटली 30.17% हो गया है, और वहीं पे स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर का रेवेन्यू 21.46% हो गया है ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। तो ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी कुछ रेवेन्यू के बारे में हमने आपको बताया कि उनका रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना आता है। अब जानना जरूरी है कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, यानी कि कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला, कंपनी ने बताया कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो उनके ऊपर बोरोइंग्स है, यानी कि जो भी उनको पैसा पे करना है थर्ड पार्टीज का, सबसे पहले वो अपना पैसा पे करना चाहते हैं, अपने बोरोइंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। सेकेंड, किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि अपने बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कुछ पैसा अपने पास रखना जरूरी होता है। इसके अलावा थर्ड कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताया है कि बाकी और कॉर्पोरेट कुछ पर्पजेस होते हैं जिसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है। इसके बाद अब मैं बात करना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि कंपनी ये सब आईपीओ लाने के बाद आने वाले टाइम में कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है, कि आने वाले टाइम में वो कैसे अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो कंपनी यहां पे बताती है कि सबसे पहले जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, बल्कि उसको और ज्यादा रोबोस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनी उन सब प्रोडक्ट्स के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है जहां पे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटीज भी हैं।
तो दोस्तों कंपनी अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को और रोबोस्ट इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि कंपनी को लगता है कि न्यूक्लियर सेक्टर में जो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज हैं और या आने वाले टाइम में यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी वहां से कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को कंट्री के अंदर मूव किया जा सके, जहां से भी कंपनी को लगता है कि उनकी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं। इसके अलावा थर्ड जो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है स्पेस सेक्टर, उसके कमर्शियलाइजेशन की भी बात हो रही है जहां से कंपनी को अपनी पॉसिबिलिटीज ग्रोथ की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का एक्सपोर्ट की तरफ आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। कंपनी ने बताया है कि करंटली उनके टोटल रेवेन्यू में से 35% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से निकल के आता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो इस रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं जिसका एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी डिमांड हो और कंपनी का रेवेन्यू आने वाले टाइम में बढ़ सके। तो दोस्तों ये तो बात हुई पूरा कंपनी के बारे में, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी निकल के आती है, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के अंदर माना जाता है कि एक ग्रोथ कंपनी को कंपनी की अपनी पॉलिसीज की वजह से, कंपनी के अच्छे बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से मिलती है, लेकिन दूसरा कितनी अच्छी पॉसिबिलिटीज उस इंडस्ट्री के अंदर है वो भी जानना एज अ इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, सबसे पहला हैवी और दूसरा लाइट। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये डिवीजन कैसे किया गया है, ये डिवीजन किया गया है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इन दोनों सब सेक्टर से निकल के आते हैं, इसके अलावा उन टेक्नोलॉजीज के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज करके हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हैवी इंजीनियरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली किया जाता है इंडस्ट्रियल मशीनरी का और इसके अलावा प्लांट इक्विपमेंट्स का। दोस्तों ये जो सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनका यूज डायरेक्टली किया जा सके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। अगर मैं कुछ सेक्टर्स के नाम आपको बताऊं, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, न्यूक्लियर, थर्मल, इन सब सेक्टर्स के अंदर जो जो मशीनरीज का यूज किया जाता है उन सब का मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंजीनियरिंग के अंदर होता है। इसके बाद अगर हम लाइट इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, यानी कि जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो चाहे वो थर्मल हो, यानी कि वो सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो कि प्रिसीजन के टर्म्स में या कि या इसके अलावा बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं यूज के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर से ही निकल के आता है और यहाँ पे उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जहां पे लो टॉलरेंस होती है और जिसको मल्टीपल साइकिल्स में यूज किया जाता है। अब मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाने का ट्राई करूं तो उन इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उनको अगर कितनी बार भी अगर आप यूज कर लो तो वो सेम रिजल्ट दें, यानी कि वहां पे लो टॉलरेंस हो और वहां पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएं, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे कि आपको अभी समझ में आया होगा कि ये वो कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां पे एरर का रेट बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके चलते इनका यूज उन सब सेक्टर्स में किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि एविएशन सेक्टर, एरोस्पेस, थर्मल, न्यूक्लियर। तो उन सब सेक्टर्स के अंदर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जिसके लिए मैं यहां पे लाना चाहता हूं क्रिसल की एक रिपोर्ट को और वहां से कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि अभी तक प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और आने वाले टाइम में कितना ग्रो कर सकती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम अभी की बात करते हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो 4098 बिलियन की प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये इंडस्ट्री 5550 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6-7% का कंपाउंडिंग ग्रोथ जो कि आने वाले सालों में हो सकता है एज पर क्रिसिल रिसर्च। अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है वो है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बड़ा है पूरा प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर आप उसका ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कौन कौन से सेक्टर्स कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पूरा प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर। यहीं पे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करता हूं तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स 51%, इसके बाद डिफेंस एंड एरोस्पेस 19%। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 तक एज पर द रिपोर्ट, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तब भी जाके
ऑटो कंपोनेंट्स मेजर कंट्रीब्यूट रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए, जो कि 54% का कंट्रीब्यूशन करेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अभी भी डिफेंस एंड एरोस्पेस रहेगा, जो कि 18% का कंट्रीब्यूशन करेगा। और थर्ड नंबर पे आता है इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, जो कि 13% का कंट्रीब्यूशन करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2025। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि न्यूक्लियर सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छे टर्म्स में सामने निकल के आता है, तो अब हम जानने का ट्राई करते हैं कि न्यूक्लियर सेक्टर इंडिया के टोटल एनर्जी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करता है और उसको कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के नंबर के साथ भी। तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2000 से लेके 2019 तक कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया। तो 2000 के अंदर ये नंबर 16% हुआ करता था, अब ये नंबर 10.4% हो गया है, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में ये नंबर अभी भी उतना ही है जो कि 2006 के अंदर एक टाइम पे पीक किया था। तो जैसे कि टोटल पावर जनरेशन इंडिया के अंदर बढ़ा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जरूर पिछले कुछ टाइम के अंदर कम हुआ है। इसके अलावा अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी आने वाले टाइम में 7.5% से लेके 8% के कंपाउंडिंग नंबर से ग्रो कर सकती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट हमेशा जीडीपी का कुछ परसेंटेज डिफेंस को एलोकेट करती है, जो खर्चा डिफेंस के लिए किया जाता है ताकि इंडिया के डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग किया जा सके। तो इस कंपनी का रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से भी निकल के आता है, जिसके चलते हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस का पिछले कुछ टाइम के अंदर कितने परसेंट एलोकेशन रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और आने वाले टाइम में वहां पे कैसी ग्रोथ हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करता हूं तो यहां पे डिफेंस एक्सपेंडिचर में 11% का ग्रोथ देखा गया है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमेशा लगातार यहां पे हमने ग्रोथ देखा है डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2025 तक यहां पे 7% से लेके 9% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब लास्ट में बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की, क्लीन एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू आज के दिन में भी क्लीन एनर्जी से निकल के आता है, तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसा ग्रो करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टाइम में कि अगर हम पूरा एनर्जी जनरेशन की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो कितना परसेंट क्लीन एनर्जी से आता है, कितना परसेंट कोल से आता है, वो सब हम आपको बताते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज ऑफ 2019 के अंदर, तो सबसे मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है आज के टाइम में वो कोल से किया जाता है, जो कि 36.4% है। इसके बाद नेचुरल गैस 23.3% और रिन्यूएबल्स का अगर हम शेयर्स देखें तो वो आज भी 10.4% के आसपास का है, और वहीं पे न्यूक्लियर का शेयर 10.4% का है। तो दोस्तों ये तो नंबर था 2019 का कि एनर्जी जनरेशन का ब्रेकअप कितना है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में चाहे हम इंडिया की बात करें या बाकी कंट्रीज की बात करें, सभी कंट्रीज बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल सेक्टर्स के ऊपर। तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर हम 2040 के एक रिपोर्ट के फोरकास्टेड नंबर को देखें तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम में ये सब परसेंटेज शेयर कैसे चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं IEA वर्ल्ड ग्रोस एनर्जी प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्टेड ग्राफ। यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं 2040 का प्रोजेक्टेड पाई चार्ट, जो आपको बताएगा कि IEA वर्ल्ड ग्रोस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है आने वाले टाइम में एनर्जी के ब्रेकअप को। तो यहां पे कोल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो करंटली जो 36.4% का है वो कम होकर 22.5% हो जाएगा, लेकिन मेजर जंप जो हमें देखने को मिलता है सोलर के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा 13% का। इसके अलावा बायोफ्यूल्स जो कि कंट्रीब्यूट करेगा 3.4% का। तो यहां पे सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिलता है सोलर के अंदर, जो कि सोलर 2040 के अंदर 13% का कंट्रीब्यूशन करेगा टोटल एनर्जी जनरेशन के अंदर। वहीं पे अगर हम विंड की बात करें तो विंड भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी जनरेशन में, जो कि 12.8% का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्लीन एनर्जी की तरफ कितना ज्यादा फोकस है सभी कंट्रीज का, और वर्ल्ड के अंदर ये सब परसेंटेज नंबर्स कैसे चेंज होने वाले हैं अगर ये सब सही से हो जाता है तो जिससे कंपनी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने रेवेन्यू को ग्रो करने की। चलिए दोस्तों अब मूव करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और इसको कंपेयर करते हैं इसकी इंडस्ट्री के साथ।
जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे हमने इंडस्ट्री के अलग अलग प्लेयर्स को लिया है। कुछ प्लेयर्स इस कंपनी के साथ डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में होंगे और बहुत से प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड भी होंगे, जैसे कि जीएमएम फॉल्डर जो अपना बिजनेस प्रिसीजन इंडस्ट्री के अंदर ही करती आई है। इसके अलावा थर्मैक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएमएल और सबसे एंड में एमटीआर टेक्नोलॉजीज को हमने रखा है। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करता हूं तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज अपने आप को लिस्ट करना चाहती है एट प्राइस टू अर्निंग रेशो ऑफ 46। अगर हम इसको कंपेयर करें जीएमएम फॉल्डर के साथ जिसका पीई रेशो 76 का है, थर्मैक्स का पी रेशो 90 का है, वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका पी रेशो कम है जैसे कि भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.61% के आसपास का है, वहीं पे इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स जैसे कि जीएमएम फोल्डर जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.51%, भारत डायनेमिक्स जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 21.94%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 22.03% का रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रिसीजन इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली अच्छा रहता है और ये 20% के आसपास का होता है, तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.28% का है, वहीं पे जीएमएम फॉर्डलर 19.48%, भारत डायनेमिक्स 17.16% और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 22.92% के आसपास का है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डेट नॉर्मली नहीं देखा जाता है, जिसके चलते एमटीआर टेक्नोलॉजीज का भी डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है जो कि 0.18% का है और जीएमएम फॉर्डलर का 0.16% और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 0.31% और थर्मैक्स का 0.08%। वहीं पे भारत डायनेमिक्स की बात करें तो वो प्योरली एक डेट फ्री कंपनी भी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर ये कंपनी अभी तक की इस पूरे इंडस्ट्री में जो जो नाम हमने लिए हैं उनमें से सबसे छोटी कंपनी है। एमटीआर टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर द प्राइस जिसके ऊपर ये लिस्ट करना चाहते हैं वो 1538 करोड़ के आसपास का है, वहीं पे जीएमएम फोल्डर 6000 करोड़ का, बीईएमएल 4400 करोड़ और वहीं पे थर्मैक्स 15000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ट्रेड करता है शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हम आपको एमटीआर टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताना चाहते थे। आज की वीडियो के अंदर हमने कंपनी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, कंपनी के रेवेन्यू के बारे में आपको बताया, कंपनी के रेवेन्यू के ग्रोथ के बारे में आपको बताया और ये भी बताया कि कंपनी का रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना निकल के आता है। इसके बाद हमने इंडस्ट्री के बारे में बात की ताकि आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस कंपनी के ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर जहां पे हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या प्रोस और क्या कॉन्स होते हैं। इसके अलावा यहां पे इन्वेस्टमेंट करने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन से इंपॉर्टेंट प्राइस जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहां पे बिड करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें, कि हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते, तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.